हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के टिकट का ऐलान करने के बाद बागवत के सुर मुखर होने लगे हैं। मैंने चौपाल के बाद अब चंबा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने मोर्चा खोल दिया है। उसके बाद मैं 10 साल नहीं रहा और कांग्रेस आलाकमान को जल्द टिकट बदलने का अल्टीमेटम दिया है 2022 में, और यदि कांग्रेस टिकट नहीं बदलती है तो उन्होंने पार्टी छोड़ आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दे दी है। शिमला में पत्रकार वार्ता कर पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने कहा कि हमने सारी जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया है और कांग्रेस पार्टी को मैंने जिंदा रखा है चुनाव। इसके बावजूद भी मेरा जो क्लेम था इन्होंने नहीं माना। रीजन इनको क्या लगाया है ये इल्जाम भी मेरे ऊपर कोई नहीं। मैंने इतने साल राजनीति कैरियर मेरा बड़ा साफ सुथरा रहा जिसमें कोई भी दाग नहीं लगा सका। और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो हार का मार्जिन था 2017 में जब मोदी वेव थी उसके बावजूद भी मेरा 4800 कुछ रहा है, जबकि मेरे अपने सहयोगी 7-8 हजार से वोट से हारे थे और उनको सबको टिकट दिया और मुझे छोड़ दिया। और मैं समझता हूँ कि मेरी सीनियरिटी उसको भी ख़त्म कर दिया और एक 1.5 महीने के जो मेंबरशिप ली है उसको इन्होंने टिकट दवा दिया। तो इसमें जो मेरे वर्कर हैं जो कांग्रेस पार्टी है चुरा की इसमें सब में भारी रोष है। और जब मैं ये भी आगाह करता हूँ आपके चैनल के जरिए अपने हिमाचल हाईकमांड को भी और केंद्रीय हाईकमांड को भी, क्योंकि जिस तरह से मेरा जो क्लेम था वो इग्नोर किया गया ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको मैं समझता हूँ कि इसको आप जल्दी से जल्दी अपना जो न्याय है ये बदला जाए और टिकट जो है ये मुझे दी जाए, क्योंकि मैंने सेवा किया। लोग ये सारे ये देख रहे हैं कि हाईकमांड अपना निर्णय कब बदलती। तो यदि हाईकमांड नहीं बदलती है सोच किया तो मैं तो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ और कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह सकता हूँ। सिमराम मुझे तो कोई सर्वे वाला मिला नहीं, तो जैसे मेरी जानकारी है कि सर्वे वाले भी इनकी अपनी टीम में थी। मैं यहाँ से नाम तो अभी नहीं ले रहा हूँ परंतु मैं समय आऊँगा तो ले सकता हूँ कि सर्वे की लगाई हुई जो थे हमारे हिमाचल कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं उनके अपने घर के रिश्तेदार थे और इन्होंने पहले ही जो इनकी टीम गई थी वो जो खन्ना है यशवंत खन्ना उनको फोन करते थे पहले वो और उसको उनसे मिलते थे, उसको गाड़ी में बिठा के ले जाते थे, जो वो बोलते थे लिखते थे। वो तो हमारे साथ मिले ही नहीं ना इलाके में आए। तो आपने इंडिपेंडेंट लड़ने का पूरा मन बना लिया? मैं अपना लड़ सकता हूँ, मैं भाजपा में जा सकता हूँ यदि कोई जरूरत पड़ी तो, आजाओ तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा कांग्रेस। एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।